2023 में OnePlus ने बहुत सारे फोन्स बेचे बिकॉज दे लॉन्च्ड ऑल द फोन्स एट परफेक्ट प्राइसिंग एंड इट इज टाइम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. सो OnePlus का नया फोन OnePlus Nord CE4 इज हियर. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स न्यू इन द फोन एंड प्रीवियस Nord CE3 के कंपैरिजन में क्या नया मिलता है, क्या अपग्रेड्स है, क्या डाउनग्रेड्स है. फिजिकली ओवरव्यू की अगर बात करें तो राइट साइड में आपको पावर एंड वॉल्यूम बटन्स देखने के लिए मिलता है, टॉप पे आपको IR ब्लास्टर देखने के लिए मिलता है, यू ऑल्सो हैव सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक एंड स्पीकर भी देखने के लिए मिलता है, टाइप सी पोर्ट एंड माइक एंड ट्रे आपको बॉटम साइड में देखने के लिए मिलेंगे. यहाँ पे आपको कोई भी अलर्ट स्लाइडर देखने के लिए नहीं मिलता, सिमिलर टू OnePlus Nord CE3. बैक में आपको दो कैमरास एंड एक रिंग टाइप फ्लैश देखने के लिए मिलेगा. इस बार डिजाइन भी थोड़ा सा यूनिक है, ऐसा मार्बल टाइप डिजाइन देखने के लिए मिलता है एंड बैक पैनल एंड साइड फ्रेम इज मेड आउट ऑफ प्लास्टिक. लेट्स स्टार्ट विद द मेन हाइलाइटिंग पार्ट ऑफ द फोन जो है इसका कैमरा. सोनी LYT 600 50 मेगापिक्सल कैमरा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो सेम कैमरा आपको बहुत सारे फोन जैसे कि Realme 12 Plus में भी देखने के लिए मिलेगा. अलोंग विद दिस आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने के लिए मिलता है एंड वो जो छोटा सा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता था OnePlus Nord CE3 में, वो यहाँ से निकाल दिया है, which is a very good move because वो I don't think so कोई यूज भी करता था. 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. अगर साइड बाय साइड फोटो कंपैरिजन करें OnePlus Nord CE4 एंड OnePlus Nord CE3 की तो देखते हैं फोटो कंपैरिजन में कौन जीतता है. जैसे कि आप ये पर्टिकुलर फोटो में देख सकते हो, ये स्लाइड के फोटो में C4 ने एक्सपोजर बहुत अच्छे से एडजस्ट किया है. वाइड एंगल फोटो में अगर जूम करके देखेंगे तो ये फ्लॉर जो है वो C4 में बहुत बेटर दिखते हैं एज कंपेयर टू C3 एंड इन दिस पर्टिकुलर फोटो डिटेल्स इन द शैडोज आर मच बेटर ऑन द OnePlus Nord CE4. सो ओवरऑल अगर कंपैरिजन की बात करें तो OnePlus Nord CE4 हैज अपग्रेडेड व्हेन इट कम्स टू कैमरा एज कंपेयर टू OnePlus Nord CE3 इन आवर टेस्टिंग. स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मिलता है आपको OnePlus Nord CE4 के साथ एंड एज एक्सपेक्टेड डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस में कोई टेंशन नहीं है. एप्स ओपन एंड क्लोज वेरी फास्ट एंड इन जनरल एक्सपीरियंस इज आल्सो वेरी फास्ट. नाउ गेमिंग की अगर बात करें तो BGMI रन्स एट 60 FPS एंड गेमिंग परफॉर्मेंस इज आल्सो वेरी गुड. कांस्टेंट 60 FPS आपको मिल जाएंगे बट माइनर फ्रेम ड्रॉप्स है यहां वहां, बट वो लेटेस्ट जो अपडेट आया उसके वजह से होने के बहुत ज्यादा चांसेस है बिकॉज़ बहुत सारे डिवाइसेस में ऐसा हो रहा है, बट ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस इज बेसिकली वेरी गुड. हमने 1 घंटे के लिए गेम खेल के देखा विद नो एसी एंड ओनली फैन एंड द फोन ड्रॉप्ड अबाउट 15% इन 1 आवर एंड हीटिंग इश्यूज भी नहीं थे. फोन वार्म टू टच तो डेफिनेटली हुआ बिकॉज वो तो होना ही है गेमिंग करने के बाद, बट ओवरहीट बिल्कुल भी नहीं हुआ, विच मीन्स द प्रोसेसर इज वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर डे टू डे यूजेज एज वेल एज गेमिंग. OnePlus Nord CE4 में आपको बस 8 GB रैम का ही वेरियंट देखने के लिए मिलता है अलॉन्ग विथ 128 और 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज. UFS 4.0 स्टोरेज नहीं है, सो वो कंफ्यूजन यहाँ पे फॉर्चुनेटली नहीं होगा. यहाँ पे OnePlus ने स्टोरेज ऑप्शन तो सेम रखा है, मतलब 128, 256, बट एक कंफ्यूजिंग फैक्टर है कि OnePlus Nord CE3 में आपको 12 GB रैम वेरिएंट भी देखने के लिए मिलता था, वो आपको OnePlus Nord CE4 में देखने के लिए नहीं मिलता. मोस्ट प्रोबेबली दिस हैज बीन डन बिकॉज 8 GB से 12 GB रैम जाते हुए मतलब डेफिनेटली परफॉर्मेंस बेनिफिट्स तो है, बट 12 GB इज नॉट रियली नीडेड एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट ऑफ 25,000 to 30,000 रुपीज एंड व्हेन यू हैव 8 GB रैम ओनली आपको प्राइस पॉइंट भी थोड़ा और कॉम्पिटेटिव रखने का चांस मिलता है. इसके बाद बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी के, तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी थी OnePlus Nord CE3 में जिसे अपग्रेड करके 5500 mAh कर दिया है. सो OnePlus 12R उसके बाद OnePlus Nord CE4 इसमें भी आपको 5500 mAh बैटरी एंड आई एम अज्यूमिंग सारे OnePlus जो फोन लॉन्च करेगा दिस ईयर will have 5500 mAh battery, which is always a very good thing. Charging bhi 80 watt se 100 watt kar diya and charger abhi bhi aapko box mein hi milta hai. And OnePlus claim karta hai ki 1 to 100 charge karne ke liye aapko sirf 29 minutes lagte. To humne ye jab check kiya na 1 to 100% charge karne ka, तो सरप्राइजिंगली एंड somehow हमें भी एग्जैक्ट 29 मिनट्स ही लगे, विच इज एक्चुअली वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट. चलो मैक्सिमम हम लोग पकड़ ले 30-35 अलग अलग कंडीशन में 35 मिनट्स 40 मिनट्स में आपको 100% तो इजीली होना ही है. प्लस आपको बैटरी सेटिंग्स में यहाँ पे 80% पे चार्जिंग स्टॉप करने का ऑप्शन भी दिया है एंड आई फील दिस इज परफेक्ट ऑप्शन. आपको ये एनेबल करना चाहिए अगर आप फास्ट चार्जिंग यूज करने वाले हो तो, बिकॉज 80% बैटरी पर भी आप एक पूरा दिन इजिली डिवाइस को यूज कर पाओगे एंड 80% पे अगर चार्जिंग रोक दोगे तो बैटरी हेल्थ भी आपकी बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी. अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे वही आपको सेम 120Hz AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है. एकदम डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप यूज करोगे तो थोड़ा ब्राइटनेस कम लग सकता है, बट अदरवाइज द डिस्प्ले इज वेरी गुड. व्यूइंग एंगल्स कलर वो सब में कोई टेंशन नहीं लगा हमें. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर
अंदर भी देखने के लिए मिलता है एंड इट इज वेरी क्विक टू अनलॉक द फोन। नाउ इस फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स अभी भी देखने के लिए मिलते हैं विच इज ऑब्वियसली वेरी गुड एंड एज कम्पेयर टू वन प्लस नॉट सी थ्री दिस स्टीरियो स्पीकर्स ऑन द सी फोर आई फील लाइक आर सिमिलर, थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली बेटर बोल सकते हो, बट ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नोटिसेबल डिफरेंस नहीं होगा विच इज गुड बिकॉज सी थ्री ऑलरेडी हैड अ वेरी गुड स्पीकर सेट। नाउ अगर बात करें डॉल्बी एटमॉस की तो वो वन प्लस नॉट सी थ्री में आपको देखने के लिए मिलता था बट वन प्लस नॉट सी फोर में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है। आई थिंक वन प्लस को इस साल विद द वन प्लस नॉट सी फोर कुछ चीजें जैसे निकाल दिया डॉल्बी एटमॉस या फिर एनएफसी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़े बेजल्स भी कम करने चाहिए थे यार बिकॉज अगर फ्रंट से हम लोग देखें तो सी थ्री एंड सी फोर लुक ऑलमोस्ट द सिमिलर एंड अगर कॉम्पीटिंग डिवाइस की बात करें एट द प्राइस ऑफ 20 to 25,000 रुपीज मतलब कम प्राइस की बात कर रहा हूं देन दे हैव मच स्मॉलर बेजल्स। नाउ वन प्लस ने एनएफसी भी यहां पे निकाल दिया है विच इज वेरी वियर्ड बिकॉज आई डोंट नो वन प्लस ने मतलब क्यों निकाला होगा यार वन दिस इज वेरी यूजफुल फीचर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए। यूपीआई में भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फ्यूचर में आ सकते हैं उसके लिए काम में आ सकता है बट दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द वन प्लस नॉट सी फोर वेर एज वन प्लस नॉट सी थ्री हैड द ऑप्शन ऑफ एन एफ सी। वन प्लस नॉट सी फोर लॉन्च हुआ लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ मतलब ऑक्सीजन ओएस 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऑक्सीजन ओएस के साथ। आप ओडायलर जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे एडवांस फीचर भी दिए गए, एडवांस मतलब देखो विजुअली अपीलिंग फीचर दिए गए हैं। सो ऑक्सीजन ओएस 14 के बारे में चाहिए तो हम लोग एक अलग वीडियो बना सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ फीचर रिच यूआई, ब्लोटवेयर भी कम से कम रखा है मिनिमल एज कंपेयर टू अदर फोन्स इन दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। अभी बात करते हैं वन प्लस नॉट सी फोर के प्राइसिंग के बारे में बिकॉज प्राइसिंग का ही तो गेम है। 2023 में वन प्लस ने फोन्स क्यों ज्यादा बेचे थे बिकॉज परफेक्ट प्राइसिंग रखी थी। वन प्लस नॉट सी थ्री वॉज लॉन्च फॉर 27,000 रुपीज। आई डू नॉट नो द एक्जैक्ट प्राइसिंग ऑफ द सी फोर बट आई एम अज्यूमिंग ये 25,000 के आसपास आपको मिलने वाला है। कुछ ड्रॉबैक्स है जैसे कि एनएफसी अवेलेबल नहीं है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट निकाल दिया है, जो बेजल्स है फ्रंट में वो अभी भी वन प्लस नॉट सी थ्री जैसे ही है जितने ही बड़े हैं, बट अपग्रेड्स भी है जैसे कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 आई फील इज एन अपग्रेड। देन आपको बड़ी बैटरी भी देखने के लिए मिलती है, फास्टर चार्जिंग भी है एंड लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट बेसिकली बिकॉज वन प्लस नॉट सी थ्री एक थोड़ा एक जनरेशन ओल्ड है। 2 साल का ही आपको एंड्रॉइड ओएस अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स है बट स्टिल अगर आप लेटेस्ट लोगे तो आपको Android 15, 16 भी देखने के लिए मिलेगा। आई फील लाइक 25,000 रुपीज प्राइस पॉइंट फॉर दिस फोन इज गुड। OnePlus अभी थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में काउंट होता है सो अगर हम लोग इसे कंपेयर करें iQOO, Poco जैसे डिवाइसेस के साथ तो ऑब्वियसली वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। आपके क्या थॉट्स है ये सारे डिवाइसेस के बारे में, कंपैरिजंस के बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग OnePlus Nord C4 आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर यू कैन ट्वीट इट टू मी @dhananjay_tech। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू आउट एंड आई गेस दैट्स नॉट इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इफ यू हैव नॉट डन दैट ऑलरेडी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।